आज हम लोग भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े। तो देखिए, मौलिक अधिकार हम लोग के संविधान के भाग 3 में दिया गया है, जो अनुच्छेद 1245 तक मौलिक अधिकार समाहित है। अब इस मौलिक अधिकार में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हम लोग को दिया गया है। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा जो है शोषण विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार दिए गए हैं। इन 6 अधिकार के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहला नंबर ये कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग भाग 3 में है। भाग 3 जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जाता है? 1245 तक जाता है। पहला जो मौलिक अधिकार है वो समता का अधिकार है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है। समता के अधिकार की सीमा कहाँ से? अनुच्छेद 14 से 18 तक। इस समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है। मतलब क्या है कानून के समक्ष समानता का? मतलब क्या है कानून के समक्ष समानता का? मतलब है कि कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वह कोई भी हो, उसको कानून के सामने, मतलब हर व्यक्ति के लिए एक समान काम के लिए एक समान कानून होगा। ये कानून के समक्ष समानता करता है ये अनुच्छेद 14 में। 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पे, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये हम लोग के अनुच्छेद 15 में है। 16 में रोजगार में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 कह रहा है कि रोजगार, अगर सरकार कोई रोजगार देती है तो समाज के प्रत्येक वर्ग को अवसर की समानता देगी। मतलब अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये प्रत्येक वर्ग को समान अवसर दिया जाएगा अनुच्छेद 16 कह रहा है। लेकिन एक बात याद रखना है, अनुच्छेद 16 के 4 में इस बात का वर्णन है कि जो आरक्षण है, आरक्षण जो दिया गया है ये इस बात का, उसमें 16 के 4 में इस बात का वर्णन है कि अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, कोई अल्पसंख्यक है, अगर उसको आरक्षण दिया जा रहा है तो आरक्षण देने से इस बात का ये वर्णन नहीं हो पाता है कि, मतलब इस बात की व्याख्या नहीं हो पाती कि रोजगार अवसर की समानता का उल्लंघन हो रहा है। वो समाज के वर्ग को आरक्षण इस वजह से दिया जा रहा है, उस पिछड़े वर्ग को आरक्षण इस वजह से दिया जा रहा है कि उसको मुख्य धारा में लाना है। मुख्य धारा में लाने के लिए पहले आरक्षण दिया जाता है, फिर आरक्षण के बाद अगर मान लीजिए कि समाज में ऐसे ही बहुत ज़्यादा विषमताएँ हैं तो उस विषमताओं में रोजगार का अवसर नहीं देगी, हम कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 16 के 4 में इस बात का वर्णन है, रोजगार का अवसर की समानता 16 में। 17 अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत दिया गया है। समाज खास करके हिंदू समाज की एक बुराई है, जो ये बुराई पहले के समय में थी, आज बहुत कुछ हद तक समाप्त हो चुका है कि छुआछूत का अंत, यानी एक वर्ग जो है, एक वर्ग दूसरे वर्ग से मतलब घृणा करता था, अपने पास नहीं बैठने देता था, अपने साथ नहीं रहने देता था, उस स्थिति में ये संविधान के मौलिक अधिकार के माध्यम से उसको ये एक नियम बना दिया गया कि समाज में छुआछूत जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो छुआछूत का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के माध्यम से, और अनुच्छेद 18 के माध्यम से उपाधियों का अंत हुआ है। उपाधियों का अंत का मतलब क्या है? उपाधियों का अंत का मतलब ये है कि हमारा संविधान इस बात की व्याख्या करता है कि उपाधियाँ केवल 2 व्यक्ति को दी जा सकती है। अगर किसी प्रकार की उपाधि देनी है तो केवल 2 व्यक्ति ले सकते हैं, एक सेना क्षेत्र में अगर कोई विशिष्ट कार्य किया है, या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशिष्ट कार्य किया है, तो उसी 2 व्यक्तियों को केवल उपाधि दी जा सकती है, और समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती है। उन उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18। ये नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। 1 नंबर में समता का अधिकार। समता के अधिकार में क्या पढ़े हम लोग? 4 बातें। 1 कानून के समक्ष समानता, 2 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव है, भेदभाव को निषेध किया गया कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 15 में वर्णन
अनुच्छेद 16 में रोजगार के अवसर की समानता है। इसी 16 में 16 के 4 जो अनुच्छेद है इस बात में 16 के 4 में वर्णन किया गया है कि आरक्षण की व्यवस्था दी गई है समाज के पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए। और इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरक्षण जो है रोजगार के अवसर की समानता का विरोध नहीं करता है। इस बात को नहीं समझना चाहिए कि आरक्षण की जो व्यवस्था है रोजगार के अवसर की जो समानता है इस बात का विरोध कर रहा है। अनुच्छेद 16 की बात है रोजगार के अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत में क्या दिया गया, केवल दो व्यक्तियों को, केवल दो क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों को उपाधियाँ दी जा सकती हैं और किसी को उपाधि नहीं दी जा सकती है। वो दो क्षेत्र कौन कौन से, एक शिक्षा का क्षेत्र है, दूसरा हम लोग का सैनिक सेवा क्षेत्र, सैनिक क्षेत्र, सैनिक में सैनिक कार्य में कोई विशिष्ट कार्य किया उस व्यक्ति को उपाधि दिया जा सकता है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 दिखाता है। इस अनुच्छेद 19 से 22 में अनुच्छेद 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता 19 के ए में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अनुसार हम लोग को बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, साथ में कहीं भी अपना ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता है और सभा बनाने की स्वतंत्रता है, जुलूस करने की, आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, बशर्ते आंदोलन हम कर सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं, उसके लिए शर्त है। तीसरी, समाज देश के किसी भी भाग में आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दो स्थिति के संबंध में संरक्षण है, अगर इसकी इसी के अंतर्गत इस बात का वर्णन होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप है तो उस मतलब अपराधों के लिए दो स्थिति के संबंध में अगर दो स्थिति हो गया, उसका जो उसके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो प्रूफ हो गए कि वही व्यक्ति ने किया है, तो उस स्थिति में उसके भी 3 नियम दिए जाते हैं। सरकार ने उसके लिए भी 3 नियम दिए हैं कि उस व्यक्ति को एक काम के लिए, एक कुकृत्य के लिए एक ही सजा दी जाएगी। दूसरी बात कि जो नियम उस कांड करने के वक्त था उस काम के लिए उसी के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। दूसरी बात है तो ये अपराधों के लिए दो स्थिति के संबंध में संरक्षण है हर व्यक्ति को, अनुच्छेद 20 में है, अनुच्छेद 21 में जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी जीवन की रक्षा कर सकता है, देह की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के कम में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार माने प्रारंभिक जो हर बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, प्रारंभिक शिक्षा हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, उस व्यक्ति का ये अधिकार है। और जो 22 अनुच्छेद 22 है अभियुक्त और सजा पाए लोगों का अधिकार अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट अधिकार है जो मौलिक अधिकार तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23 अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, ये क्या है, ये क्यों है। समाज में एक पहले व्यवस्था चली आ रही थी कि लोगों को खरीदा बेचा जाता था, दास प्रथा, आप लोग नाम सुने होंगे, दास प्रथा या बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या होती है कि किसी व्यक्ति को अपने घर पे रखा गया है, उसको खाने का मतलब केवल भोजन दे के, ना अपने का पैसा दे के उसे मजदूरी कराई जाती है, उस तरीके की मजदूरी बंधुआ मजदूरी होती है। और तो इस तरीके के कुकृत्य हैं वो रोकने का प्रयास किया गया है संविधान के मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा और अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 24 है जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक किया गया है, खनन का काम हो या कोई कारखाना हो, कोई भी जोखिम वाला काम हो, 14 वर्ष से कम वर्ष वाला जो व्यक्ति है, बच्चा है, उसको उन कामों में नहीं रखा जा सकता है, ये अनुच्छेद 24 हमारा इस कार्य के लिए रुकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मौलिक अधिकार के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक वो पहली है। 25 आस्था और प्रार्थना की आज़ादी है, हम किसी पर आस्था कर सकते हैं, किसी का प्रार्थना किया जा सकता है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी मिली हुई है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए कोई
खास धर्म है उसकी वृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता है कि आप टैक्स दे सकते हैं उस धर्म को वृद्धि बढ़ाना है बढ़ाने के लिए। अनुच्छेद जो 27 है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है। और जो ये अनुच्छेद जो 25 है उसमें आशा और प्रार्थना की आज़ादी है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म के वृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 28 में शिक्षा संस्थाओं में कोई भी शिक्षा संस्था है मदरसा है या दूसरा कोई अगर चाहता है कि अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर मान लीजिए खोले तो उसमें वो धार्मिक शिक्षा या उपासना से संबंधित शिक्षा दे सकता है उसमें आप उपस्थित हो सकते हैं या आपकी स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 28 कहता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अनुच्छेद 29 से 33 तक है ये। और पहला जो है 29 अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 30 के अंदर। तो अभी तक हम लोग पांच अधिकारों के बारे में पांच मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़े। ये पहला संवैधानिक अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, छठा जो अधिकार है ये संविधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे संविधान की मूल आत्मा भीमराव अम्बेडकर द्वारा दी गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्होंने कहा कि ये संविधानिक उपचारों का अधिकार है, ये संविधान की मूल आत्मा है। मूल आत्मा के बारे में व्याख्या किया गया अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। इसमें क्या वर्णन है, इसमें इस बात का वर्णन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले जितने सारे नियम हैं अगर किसी व्यक्ति को अगर लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों की हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई हमसे मौलिक अधिकार छीन रहा है, तो उस स्थिति में वो व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपना आवेदन दे सकता है। और आवेदन देने के बाद उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को हाईकोर्ट को भी सुनने का अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट को भी सुनने का अधिकार होता है। उस स्थिति में अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में से कोई एक उसको अगर लगे कि वास्तव में इस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस स्थिति में जो ये कोर्ट है, जो माननीय कोर्ट है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो पांच प्रकार के आदेश जारी करते हैं। वो पांच प्रकार के आदेश जो है वो उसी के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, परमादेश आता है, उत्प्रेषण आता है, अधिकार परीक्षा आता है। इस तरीके के पांच प्रकार के आदेश होते हैं। और पांच प्रकार के आदेश द्वारा जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों उस मौलिक अधिकार को लागू कराने का प्रयास करता है और मौलिक अधिकार को लागू कराता है। और नेक्स्ट जो इसके संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देते हैं जिसको रीट कहा जाता है, उस रीट के बारे में हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे।